नमस्कार, नेहा फैमिली किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बरवा शिमला मिर्च। स्पाइसी शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाएंगे, एकदम से टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करती हैं। ये सबसे पहले हमने गैस पे पैन रखा है, इसमें हमने ऑयल डाल दिया है, 2 टेबलस्पून हींग डाल दी है, 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, ये हमने लहसुन को बारीक काट करके रखाई डाल दिया है, प्याज डाल दिए हैं, प्याज को हम भून लेंगे। ये प्याज को हमने भून लिया है, टमाटर डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, नमक थोड़ा सा और डाल देंगे, मिला लेंगे। अब हम इसमें बॉईल किए हुए आलू को हमने मैश कर लिया है, ये डाल देंगे। ये मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, स्टफिंग के लिए मिक्सर बन करके तैयार है। ये हमने शिमला मिर्च दी है, धो करके अच्छे से कपड़े से पोंछ करके ये हम इसके डेंटल को हटा देंगे। इस प्रकार से हम इसे भी अच्छे से निकाल देंगे। सभी शिमला मिर्च के डेंखल को हम इसी प्रकार से हटा लेंगे। ये सारे डेंठल हटा लिए हैं हमने, अब हम इसमें ये इसे डाल देंगे। इस प्रकार से चम्मच से अच्छे से दबा दबा करके डाल देंगे। इस प्रकार से अच्छे से भर लिया है हमने ये। दूसरी शिमला मिर्च को भी हम इसी प्रकार से भर लेंगे। ये सारी शिमला मिर्च को हम इसी प्रकार से भर लेंगे। भर लिया है हमने। ये गैस पे हमने कढ़ाई रखी है, इसमें हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल गर्म है। अब हम इसमें एक एक करके शिमला मिर्च को डाल देंगे। ये सारी शिमला मिर्च को हमने डाल दिया है। गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, इसे एक बार पलट देंगे।
ये सारी शिमला मिर्च को हमने पलट दिया है। अब हम इसे ढक करके पका देंगे। ये बीच में हमने चेक किया है, इसे पलट देंगे। ये सारी शिमला मिर्च को हमने पलट दिया है। इसे ढक करके 3-4 मिनट के लिए और पका लेंगे। ये 4 मिनट के बाद ये देखिए शिमला मिर्च बन करके तैयार है। थोड़ा पलट देंगे, ऑयल गरम है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। इसे गैस से उतार लिया है, ये थोड़ी ठंडी हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। एक एक करके सारी शिमला मिर्च को हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए एकदम से स्पाइसी शिमला मिर्च, बर्मा शिमला मिर्च बन करके तैयार है। आप भी बनाइए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।